कोई से वहीं तो कोई उनकी या का समाचार बा हो तो ठीक बट बढ़िया बट इंगोनी सब कोई से बोला बतिया वो उनका खाते चिराई रो लोग रो वन के चिराई रो आवे वो कना कहले आवे के कहले 17 तारीख के आए हां इनके भाई हैं विशाल जी इनका कहना है कि सौ जो है सेना के वाहन से पटना से सिवान आ रहा है और सिवान से विशेष वाहन जो होता है सेना का उसे सिवान से सीधे मीरगंज सौ आ रहा है और मीरगंज से बढ़रिया वाला रोड होकर के महिचा बदरजिमी बाजार होते हुए सब यहाँ तक लाए और यही उनका घर है मनु शर्मा का। इसी घर में उनका बचपन व्यतीत हुआ था और आज आर्मी में पंजाब के पटियाला में पोस्टेड थे। 3-4 दिनों पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। जवान जो शहीद हुए हैं भाई मेरे उनका बॉडी लेके आ रहा है। नमस्कार, अभी मैं महिचा में हूँ और महिचा में जो आर्मी के जवान मनु शर्मा का जो निधन हुआ है, मनु शर्मा जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं पटियाला पंजाब में, आज उनका शव आ रहा है और उनके दरवाजे पे आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ लगी है और लोग धीरे धीरे जो नाते रिश्तेदार हैं तमाम लोग आ रहे हैं और यही उनका घर है मनु शर्मा का। इसी घर में उनका बचपन व्यतीत हुआ था और आज आर्मी में पंजाब के पटियाला में पोस्टेड थे। 3-4 दिनों पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। आइए एक बार जरा उनको घर को आप दिखा दीजिए, यही उनका घर है और इसी घर में कभी उनका बचपन व्यतीत हुआ था। शहीद सैनिक मनु शर्मा के दरवाजे पर हैं और कुछ माता लोग भी मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। का नाम बा अपन? हमार सुशीला देवी। तो मनु शर्मा के रहले हैं? बेटा रहले हैं। अच्छा, तो का सुननी है जो लाइन मर ले बा। अच्छा, हाँ। बचपन ठीक हम हाँ। ठीक हम हाँ बाबू उनका खातिर चिराई रो लोग रो वन के चिराई रो नजदीक आ जाइए। अंतिम बार हुआ से बात कब भई रहला? भेंट कहिया के भई? हमरा सावन में के भई। यही सावन में? हाँ। का कहले आई रहले? त कहले जे बड़के मैं ठीक बड़ू। हम कहनी हाँ बाबू ठीक बा, तो ठीक से रहियो। हाँ। आवे वे के ना कहले? आवे के कहले जे 17 तारीख के आए। हाँ। का नाम बाप? गायत्री देवी। मनु बाबू से लास्ट कब भेंट हुआ? तो हम अनियो के सामने में के हाँ भेंट भई रहल। बड़ा नीमन आ लइका उड़ले हन उनका खातिर बन के चिड़ै रहत। कोई से वहीं तो कोई उनकी या का समाचार बा हो तो ठीक बट बढ़िया बट इंगोनी सब कोई से बोला बतिया वो नीमन एकदम हीरा लइका रहले हन बचपन से उनका खातिर बन के चिराई रो होता है। का कहले रु बस आई रेले सावन कोत लेन की माई एक केसन बड़ा लोग कहनी सन की बाबू ठीक बानी सन तारा लोग छुआ से आ तो ठीक बा ठीक भाई यहाँ मनियो के नीमन बानी सन। सुनी हाँ सुशादी भी हो? हाँ शादी उनकर अभी बावे लो तो उनकर के मनी हो की अब उनका से जेठ जेठ बावे लो तो उनके लोग हो जाए तब उनकर हुई। हाँ आवे के 17 तारीख के उनकर छुट्टी हो गई रहा। राहुल का नाम? सरबचिया देवी नाम। रुवा से को भेंट भरलो मनु बाबू को? हमरो से सामने में भेंट भर रहे सर। का कहत कहत रहनी की भाभी समाचार को तो कहने की बाबू समाचार ठीक बैठे है तो ठीक बाड़ू नो तो हम बाबू ठीक बाने चलो ठीक से रहिए लोग ना मनी के ठीक ठाक बाने सब बहुत अच्छा लड़का रहनी है बहुत सुंदर रक्षाबंधन में आई रहले पहिलका सावन में ना रोला तो वही पहिलका सावन में आई रहनी है। कुछ और लोग हैं जानते हैं कि आज शव आ रहा है और उसमें क्या क्या कार्यक्रम है, कब अंतिम संस्कार किया जाएगा, कब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है विशाल? हम लोग वहाँ से रिपोर्ट आया था दानापुर से कैंट से कि 4 बजे आप व्यवस्था करिए सारा, हम लोग पार्थिव शरीर को जवान जो शहीद हुए हैं भाई मेरे उनका बॉडी लेके आ रहे हैं जी। क्या कहेंगे लोग? कहना यही चाहेंगे कि आए और श्रद्धांजलि दें और भगवान से विनती करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
देखिए उनके भाई हैं और इनका कहना है कि मैं आम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप आइए और शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करें। क्या कहेंगे अनवर चा, आज सब आ रहा है और जी, जी, भी है। ये दुख की घड़ी है पूरे गांव के लिए, पूरे बिहार राज्य के लिए। मैं ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके माँ बाप को सहन शक्ति दे ईश्वर, और ईश्वर अल्लाह अपने चरणों में मनु शर्मा जी को स्थान दे, है ना। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग गांववासी नगरवासी सारे लोग उनके साथ हैं, उनके संवेदना हम व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही विधायक जी, हमारे माननीय विधायक श्री राजेश कुमार सिंह जी गुवाहाटी में हैं, आज उन्होंने फ़ोन करके संवेदना व्यक्त किया है और अपने बदले अपने भाई जी को भेज रहे हैं यहाँ पर, परसों या चौथा रोज वो भी आएंगे और अपना संवेदना व्यक्त करेंगे, जो भी दुख सुख होगा अपना ये करेंगे। विधायक जी क्या आज सब आ रहा है, किस प्रकार से क्या सोच रहे हैं? देखिए जैसे प्रोटोकॉल होता है वैसे हम लोग भी करेंगे। लोगों से क्या अपील? लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और श्रद्धांजलि दें। क्या नाम है? मेरा नाम सलमान है। सलमान, मनु शर्मा जी आपके साथ पढ़ते थे क्या? मनु शर्मा साथ तो नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था ये, ठीक है। ये जो बहुत ही दुखद घटना हुआ है, अंतिम बार कब से मुलाकात हुई थी, कब आपसे? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। शायद बहुत पहले मुलाकात हुई थी, मैं भी नहीं रहता ना बात उतनी ही होती थी। जहाँ भी मिलता था सलमान भैया कैसे हैं ऐसे ऐसे बोलता था, बहुत अच्छा लड़का था वो। जब मैं सुना, मैं सिवान में था, ठीक है, मतलब बहुत दुखद घटना है ये, ठीक है। और क्या विशाल भाई, खाना यही चाहते हैं कि आए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए लोग और यहाँ पे श्रद्धांजलि का जो मीरगंज से आएगी सिवान के रास्ते चल के मीरगंज शहर होते होते और ये ढाला मीरगंज होते बढ़िया स्टैंड होते होते और महिचा को आएगी गाड़ी, तो वहाँ से 3 बजे से निकलेगी सिवान से। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि देखिए इनके भाई हैं विशाल जी, इनका कहना है कि सौ जो है सेना के वाहन से पटना से सिवान आ रहा है और सिवान से विशेष वाहन जो होता है सेना का उसे सिवान से सीधे मीरगंज सब आ रहा है और मीरगंज से बढ़रिया वाला रोड होकर के महिचा बदरजिमी बाजार होते हुए सब यहाँ तक लाया जाएगा। इनका निवेदन है तमाम लोगों से कि जगह जगह आप लोग जो है सौ पर पुष्प वर्षा करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शहीद जवान मनु शर्मा के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। नमस्कार। शहीद आर्मी के जवान मनु शर्मा का यह घर है और इनके घर पे देख सकते हैं आज भीड़ लगी है, लोगों की शोक संवेदना व्यक्त करने वाले सुबह से ही जुट रहे हैं, काफ़ी भीड़ है और जैसे जैसे सब आने का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यही घर है, नाते रिश्तेदार भी आ रहे हैं। इसी घर में मनु शर्मा का कभी बचपन व्यतीत हुआ था।